खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। जबेरा दमोह मध्य प्रदेश से, पंडित अमित तिवारी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के साथ। जबेरा के नोहटा थाना अंतर्गत बनवार पुलिस चौकी के ग्राम घटरा गांव में शुक्रवार की सुबह ट्रैक्टर ट्राली में भरी गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्राली में भरी गेहूं की लाख में आग लगी देख ट्रैक्टर चालक तुरंत वाहन को लेकर खाली तलैया लेकर पहुंचा और वह ट्राली को डंप कर दिया। गेहूं की लौब जलकर राख हो गई। ट्रैक्टर चालक की सूझबूझ के कारण कोई और घटना नहीं हुई। जानकारी अनुसार किसान गोविंद पिता पूरन सिंह लोधी ट्रैक्टर ट्राली में गेहूं की लौब भरकर खेत से खलियान में ला रहे थे। लोधी मोहल्ला के सामने सड़क किनारे रखे बिजली के ट्रांसफॉर्मर के पास से जैसे ही लाख से भरी ट्राली गुजरी तो बिजली तार के संपर्क में गेहूं की फसल आई और आग लग गई। आग लगातार बढ़ रही थी, जिसे देख तुरंत ड्राइवर ने ट्रैक्टर दौड़ाया और खाली तलैया में लेकर पहुंचा। आग की लपेटों में घिरे ट्रैक्टर ट्राली को खेत में दौड़ते देख ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। तलैया में जलती हुई फसल को खाली किया, आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन गेहूं की लाख जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान ने राजस्व विभाग को सूचना देकर घटना की रिपोर्ट चौकी बनवार में दर्ज कराई है। पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर आगजनी का मामला दर्ज किया है। का घटना हुई है, मतलब जी फसल में गेहूं की ट्राली लेके आ रहे थे गांव से, हार से खेत से ला रहे थे घर है, घर लाज में से ही देखो उतर से सड़क पकड़ी लैन, सड़क पे आए तो बड़ी लैन की तार हती, तारों में से स्पारिंग भई डीपी के सामने गांव के रास्ता के सामने, और जैसे टाली गुजर रही थी उसके पर आ गिरी तो कैसे पर टाली पे गिरू, टाली से फिर आग लग गई। लोग कहने लगे कि देखो आग लग गई आग लग गई, तो फिर थोड़ी सी मतलब 200 मीटर आगे बढ़ा के गांव की बचत कर हैं। कितनी फसल जली उसमें से, एक टाली की पूरी और सो कितने का नुकसान हुआ? 12 बीघा का, और